मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। ठाणे के कई इलाकों में पानी भर गया, यहां तक कि रेलवे स्टेशन के परिसर में भी पानी घुस गया। सामने आए वीडियो में लोगों को घुटने तक गहरे पानी से गुजरते हुए और ऑटो रिक्शा चालकों को जलमग्न सड़कों पर अपने वाहनों को धकेलते हुए देखा गया है। इलाके की कई दुकानों में भी पानी घुस गया है। बताते चले कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। मुंबई और उसके उपनगरों में सुबह से ही भारी बारिश हुई। आज सुबह से जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मौसम ब्यूरो ने मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। अगले 24 घंटों में कभी कभी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि भारी बारिश के कारण मुंबई शहर और उसके उपनगरों में सड़कों का यातायात कमजोर हो गया है। लेकिन लोकल ट्रेनें और बेस्ट बसों की सेवाएं कुछ देरी के साथ सामान्य तौर पर चल रही हैं। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने इससे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन ताजा हालात के मद्देनजर इसे बदलकर रेड अलर्ट कर दिया गया। मौसम विभाग ने इस अलर्ट के बाद बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज को कल बंद रखने का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त और बीएमसी के प्रशासक इकबाल सिंह चहल ने बताया कि मुंबई के लिए जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बीएमसी ने गुरुवार को शहर और उपनगरों के सभी नगरपालिका, सरकारी और निजी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों और सभी कॉलेजों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। इससे पहले दोपहर में भी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे, रायगढ़, पालघर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें 26 और 27 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई थी। मुंबई में बुधवार को पूरे दिन लगातार भारी बारिश हुई, जिससे शहर की रफ्तार थम सी गई। सड़क और गाड़ियों की बेहद कम आवाजाही दिखी, लेकिन वहीं लोकल ट्रेन भी थोड़ी देरी से चली। बीएमसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई के फोर्ट, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, एल्फिंस्टन रोड, ग्रांट रोड, अंधेरी, मरोर, जोगेश्वरी, गोरेगांव सहित उपनगरों सहित कई इलाकों में बुधवार रात 8 बजे समाप्त 12 घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। वहीं इस अवधि के दौरान द्वीप शहर, पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 92.82 मिलीमीटर, 80.13 मिलीमीटर और 94.13 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि रात 8 बजे तक महानगर में बड़े पैमाने पर जलभराव की कोई खबर नहीं है। अंधेरी सबवे, अंधेरी और जोगेश्वरी रेलवे स्टेशनों के बीच अंडरपास में जलभराव के कारण बीच बीच में यातायात के लिए बंद किया गया था, लेकिन अभी भी मुंबई वासियों को बारिश और बाढ़ से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हूँ देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से लोगों को मदद पहुंचाने में कितनी सफलता मिलती, क्योंकि कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। vidodesh.amarujala.com अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।